मंदसौर में शहर के मोहम्मदिया हायर सेकेंडरी स्कूल में मतदान केंद्र पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय 5 बजे के बाद भी मतदान कराने की बात पर भाजपा कार्यकर्ता नितिन ब्रिजवानी और कांग्रेसियों में विवाद हुआ। भाजपा कार्यकर्ता नितिन ब्रिजवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि शाम के 5 बज गए थे। पीठासीन अधिकारी ने मतदान केंद्र का चैनल गेट बंद कर दिया। उसके बाद भी कुछ लोग चैनल गेट के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। जब मैंने देखा तो मैंने पीठासीन अधिकारी से कहा कि इनका एजेंट पहले से अंदर है, तो ये लोग अंदर घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। इस बात पर पीठासीन अधिकारी ने आश्वस्त कराया कि कोई अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद वहां मौजूद शहीद कुरैशी यूसुफ खेड़ीवाला, शब्बीर खेड़ीवाला और साथ ही मौजूद अन्य ने मेरे साथ मारपीट की और मुझे जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद नितिन ब्रिजवानी थाना शहर कोतवाली पहुंचे, साथ ही भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता भी उनके साथ पहुंचे, लेकिन FIR दर्ज नहीं की जा रही थी। उसके बाद भाजपा प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया भी थाने पर पहुंचे और CSP राकेश चौहान शुक्ल को FIR दर्ज नहीं करने की बात की। उसके बाद CSP द्वारा इस बात के लिए आश्वस्त किया गया कि FIR दर्ज कर ली जाएगी। इस घटना के संबंध में भाजपा प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया और कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र नाहटा ने मीडिया को अपने अपने बयान दिए। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का हमारे उत्तर दक्षिण मंडल का अध्यक्ष है, एक जिम्मेदार पदाधिकारी। आपने CSP साहब से FIR की मांग करी, आपको क्या आश्वासन दिया और अगर FIR नहीं होती तो आपका अगला एक्शन क्या होगा? देखिए, अगले कदम की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। FIR होना चाहिए, वायलेंस हुआ है। पीठासीन अधिकारी के पास एक गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति अगर जाकर के EVM मशीन बंद कराने की बात करता है और तब मेरा कार्यकर्ता उससे आर्ग्यू करता कि जब ऑलरेडी आपका प्रतिनिधि अंदर बैठा है, आप किस हिस्से से जाना चाहते हैं। ये बात उनको नागवार गुजरी और उन्होंने 10-20-15 लोगों के साथ मिलकर के मेरे अध्यक्ष के साथ मारपीट करी है। सवाल इस बात का है कि डॉक्टर शाहिद कुरैशी या यूसुफ खेड़ीवाला या जो भी अन्य लोग थे, उनको डॉक्टर शाहिद कुरैशी तो उस वार्ड का निवासी भी नहीं है, यहाँ का मतदाता भी नहीं है और हमारा पदाधिकारी जिनको पीठासीन अधिकारी के प्रीमाइसेस के बाहर मतदान केंद्र के बाहर अगर वो आर्ग्यू करता है हमारा ब्रिजवानी, तो उसको मारपीट करने की कहाँ आवश्यकता पड़ रही थी? वो ठीक कह रहा था मेरा ब्रिजवानी, उसको कोई अधिकार नहीं कि अंदर जाकर के बात करे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर उनका एक प्रतिनिधि मौजूद था। इसी बात को लेकर के विवाद हुआ और विवाद उन अधिकारियों के सामने हुआ जो चुनाव की ड्यूटी में तैनात थे। ये तो अच्छा हुआ कि इसके साथ कोई बड़ी बड़ी अनहोनी नहीं हुई, अन्यथा मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आज पूरे इलेक्शन के कैंपेन के दौरान, मतदान के दौरान मुझे 4 स्टेशनों पर वायलेंस की खबर आई है। मैं निरंतर पुलिस प्रशासन के और कलेक्टर के साथ संवाद कर रहा था। मंडी गेट पर विवाद, भोरा बखल पर विवाद, BTI पर विवाद और अभी आपका ये शहर का 132 मतदान के वहाँ विवाद और करने वाले यही लोग जो 3-4 नाम आए हैं ना, हर चुनाव में ये वातावरण बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव दादा ऐसे लोग हो गए हैं जो हर चुनाव में विवाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। नितिन जी, क्या हुआ आपके साथ? 5 बज चुके थे, विशेष बजने के बाद पुलिस अधिकारियों ने चैनल गेट बंद कर दिया। चैनल गेट बंद करने के बाद कुछ लोग चैनल गेट के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, मेरा वहां से निकलना हुआ। मैंने जब देखा तो मैंने सीधे पीठासीन अधिकारी चैनल गेट के पास मौजूद थे, मैंने उनको अवगत कराया। मैंने कहा ऑलरेडी जब इनके एजेंट अंदर हैं, चाहे किस हिस्से से अंदर प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त कराया कि कोई व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा। इतने में शाहिद कुरैशी, उसके साथ में यूसुफ खेड़ीवाला, शब्बीर खेड़ीवाला और उनके साथ कुछ अन्य लोग आए, मुझे धक्का बंद करने लगे। इन लोगों ने वो 50-60 लोगों को बुला लिया वहाँ पर और मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे, मुझे नीचे गिरा दिया। वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने घटना भी देखी और जो मजिस्ट्रेट मैडम वहाँ पर मौजूद थे उनने ये पूरी घटना देखी है। पीठासीन अधिकारी वहाँ मौजूद थे, उनने भी पूरी घटना देखी। नहीं, अब वैसे अभी तो है, 11 तारीख के पहले तक तो उन्हीं की सरकार है, उनको भीड़ ले जाने की जरूरत क्या है? मुझे नहीं समझता कि वो भीड़ ले जाकर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस अधिकारियों को प्रभावित करना चाहते हैं या कुछ और उनकी मंशा है, मैं नहीं जानता। लेकिन उनको ये सब ड्रामा करने की जरूरत क्या है? अगर यदि किसी ने कोई गलती की है तो पुलिस अपना काम करेगी, वो रिपोर्ट लिखा देते जो भी प्रभावित पक्ष है, उनको ये सब करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं नहीं समझ पाया।
मुझे नहीं पता, ये तो एक अपरिपक्व नेता की निशानी है, वो समझते नहीं है कि ईवीएम मशीनों को रोकने का मतलब क्या होता है। शायद वो चाहते नहीं होंगे कि ईवीएम मशीनें खुले और काउंटिंग हो, तो इसलिए वो सोच रहे होंगे कि ऐसा कुछ कर लें। न तो ये उनके लिए संभव है, न उनको करना चाहिए, और न कोई समझदार नेता इस तरह की बातें करेगा। अगर वो कर रहे हैं तो वो केवल ये बता रहे हैं कि वो अपरिपक्व हैं, हताश हैं और निराश हैं।